नमः शिवाय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रविवार पुनर्वसु नक्षत्र शाम 6:30 बजे तक लगा रहेगा। तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। पूर्व पुनर्वसु नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, सुशील, लोकप्रिय, धनी और शांत विचारधारा के होते हैं। ये तीव्र बुद्धि वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले तथा दूर दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण, सटीक पूर्वानुमान लगाने वाले, व्यवहारिक और खुश मिजाज होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज दोपहर 2 बजे तक कर्क राशि में चले जाएंगे, जो कि चंद्रमा की अपनी राशि है। साथ ही साथ चंद्रमा और राहु एक साथ हो जाएंगे, जिसका प्रभाव मानव जाति पर उनके स्वयं के कारकों के अनुसार पड़ने लगेगा। मेष राशि के जातकों के लिए सुबह से दोपहर तक का समय प्रयासों में सक्रियता का बना रहेगा और कार्य क्षेत्र में रचनात्मक प्रयासों को सफल बनाने की मानसिकता बनी रहेगी। दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रबल आत्मविश्वास कार्य योजनाओं को सफल बनाएंगे। धन लाभ मन मुताबिक बना रहेगा और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी, मगर दोपहर के बाद मानसिक दबाव, माँ के स्वास्थ्य और घर गृहस्थी के प्रति चिंता का संकेत मिलता है। अपने सामान के प्रति सावधानी अपेक्षित है। चोरी होने या गायब होने का अंदेशा बनता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और प्रयास पूरे होंगे। वृष राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामलों के प्रति आर्थिक लाभ और घर गृहस्थी संबंधी निवेश के विषय में, साथ ही साथ कार्य योजनाओं को लागू करने के तरीकों के लिए आज की मानसिकता बनी रहेगी, मगर कुछ मामलों में कार्य योजनाओं की रुकावट का संकेत मिलता है। हालांकि आपका ऊर्जा स्तर हर काम को निपटाने के लिए सक्षम होगा और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। चंद्रमा के साथ राहु की युति आपकी सक्रियता और तत्परता को बढ़ाने वाला होगा, जिससे रचनात्मक प्रयासों में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी भी बनाए रखें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रचनात्मक सक्रियता में वृद्धि होगी, गृहोपयोगी वस्तुओं में निवेश होगा और पारिवारिक प्रेरणा बनी रहेगी। कार्य योजनाओं में सहयोग मिलता रहेगा, मगर साझेदारी के कामों में रुकावट की संभावना बनती है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और नई कार्य योजनाओं की शुरुआत संभव है, मगर दोपहर के बाद कुछ मामलों में भ्रम की स्थिति संभावित है और लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और खुशी महसूस होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए अनावश्यक खर्च और अनचाही यात्राओं में कमी आएगी। विभागीय कर्मचारियों से सहयोग और कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। व्यवहारिक पक्ष सक्रिय रहेगा और नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लागू करेंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में कमी आएगी। दोपहर के बाद ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और कुछ नई जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। अध्ययन अध्यापन में अभ्यास जारी रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और व्यावसायिक योजनाओं में विकास होगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और नई कार्य योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। मित्रों और रिश्तेदारों से भी लाभ संभव है और आज की साझेदारी सफल रहेगी, मगर दोपहर के बाद का समय धन खर्च, मानसिक तनाव, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि और अनावश्यक यात्राओं का संकेत करता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विकास और नई कार्य योजनाओं की उपलब्धि का योग बनता है। आर्थिक सहयोग बना रहेगा और मित्रों और संबंधियों से सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। भाग्यवश काम अच्छे होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मगर दोपहर के बाद का समय आय संबंधी संसाधनों में रुकावट का संकेत करता है। हालांकि अधिकारियों का सहयोग और उनकी प्रेरणा बनी रहेगी
और अपने बुद्धि कौशल से उसका हल निकालने में सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। तुला राशि के जातकों के धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और यात्रा का योग बनता है। सरकारी कामों में सहयोग मिलेगा और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव संभावित हैं और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा, मगर दोपहर के बाद का समय कुछ योजनाओं के रुकावट का संकेत देता है और कुछ योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी। पुराने संबंध पुनर्जीवित होंगे और संतान संबंधी सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा राहु की युति आपके भाग्य भाव में बनने से कुछ मामले लंबित हो सकते हैं, मगर साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक सिद्ध होंगे। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। छोटी यात्रा और देव दर्शन के योग बनते हैं। संतान संबंधी मामलों में खर्च का संकेत मिलता है और वैवाहिक मामलों में रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। धनु राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता बनी रहेगी और मानसिक संतुष्टि महसूस होगी। साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और योजनाएं फलीभूत होंगी। सरकारी कामकाज में लाभ मिलेगा और शैक्षणिक कार्यों में सफलता संभावित है। परिश्रम की प्रवृत्ति बरकरार रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। दोपहर के बाद का समय नकारात्मक विचारों को जन्म देगा और दक्षता प्रभावित हो सकती है। साझेदारी के कामों में यात्रा संभावित है। संतान संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मकर राशि के जातक धैर्य और संयम से काम लें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। राहु चंद्रमा का योग आपके सातवें भाव में बन रहा है। मानसिक दबाव और भ्रमात्मक स्थिति का संकेत मिलता है। ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय सावधानीपूर्वक सोच समझ कर लेना चाहिए। हालांकि विभागीय अधिकारियों का सहयोग और सानिध्य बना रहेगा और काम करने में मन लगेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मगर परिवार में तनाव की स्थिति संभावित है। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लागू होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाज में साझेदारी सफल रहेगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। यदि स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं चली आ रही हैं तो ध्यान रखना चाहिए। राहु और चंद्रमा की युति शारीरिक और मानसिक स्तर को प्रभावित कर सकती है। हालांकि आपका कार्य क्षेत्र सुचारू ढंग से व्यवस्थित रहेगा, मगर दोपहर के बाद का समय सावधानी रखने का संकेत देता है। भविष्य की योजनाओं में निजी निवेश के लिए आज का दिन उचित नहीं है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता संभावित है। मीन राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सावधानी रखनी चाहिए और निरंतरता बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करते रहने चाहिए। आपकी कार्य ऊर्जा और आत्मविश्वास राहु के पांचवें घर में होने की वजह से बार बार प्रभावित हो रहा है। दोपहर बाद चंद्रमा की युति राहु के साथ होने से कार्य क्षेत्र के प्रति मन मुताबिक पहल और सक्रियता में कमी संभावित है। धैर्य और संयम से काम लेते हुए रचनात्मक प्रयास जारी रखें। कार्य क्षेत्र में विकास होगा, मगर थोड़ा समय लग सकता है। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग जारी है, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां भी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास जारी रखें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।